नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं इस समय मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जिस जगह की कल्पना रीवा शहर ने नहीं की थी। मैं पहले एक छोटा सा साइन बोर्ड दिखाऊंगा आपको। साइन बोर्ड आप देखिए, चाय सुट्टा बार, चाय के साथ सुट्टा और बार का कॉम्बिनेशन रीवा शहर ने नहीं सोचा था। इसी बात को करने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं तो सबसे पहले एक ऐसे लड़के से बात करूंगा जिसने इसको नाम दिया और खोला। सबसे पहले तो ये बताइए, रीवा से आपका क्या कनेक्शन है? मैं रीवा तो मेरी जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है, जिसको कर्मभूमि का बल जो है वो मैं अपनी जन्मभूमि में लेके आया हूँ। तो ये 95 हमारा आउटलेट है 95 नंबर का। बस अभी रीवा की बहुत समय से डिमांड थी कि आपने हर जगह खोल रहे हैं, विदेश में भी खोल के इतनी जगह पे, आप रीवा में क्यों नहीं खोल रहे हैं? तो जब डिमांड इतनी हाई हुई तो फाइनली हम रीवा में लेके आ गए। जैसा कि आजकल एक बड़ा नारा चल रहा है आत्मनिर्भरता की, आत्मनिर्भरता की अगर बात की जाए तो मैं दिखाऊंगा मेरे हाथ में कुछ है। ये क्या है, कहाँ से आता है, इसके बारे में जरा बताइए। ये कुल्हड़ है। कुल्हड़ हमारा एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जिसमें हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से हम लोग चाय पानी सब पीते थे। अभी ये थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा था, लालू यादव जी ने जब रेल मंदिर चालू किया था, अभी हमने ये चालू किया। और ये कुम्हार बनाते हैं और अभी तकरीबन हम 1.5 से 2 लाख कुल्हड़ हम लोग यूज़ करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो बस इसी के थ्रू सबको हम चाय पिलाते हैं। देश की मिट्टी, जो भी चाय पिएगा देश की मिट्टी को चूमेगा, देश की मिट्टी को चूमेगा। आपने खोला है रिटेल आउटलेट, कैसा लग रहा है आपको, क्या फीलिंग है? मैं तो इसके लिए कम से कम एटलीस्ट 2 सालों से प्लान कर रहा था, लेकिन मेरे को बड़ी खुशी की बात यह है कि विंध्य क्षेत्र में पहला इसका आउटलेट मेरे को मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, चाय सुट्टा बार। और मतलब ये मतलब इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है चाय की, और इसको खोलने के लिए अब मैं क्या बताऊँ, मैं अपनी खुशी मतलब अपनी खुशियों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी खुशी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हमारे साथ यहाँ कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं जो चाय का मजा लेने आए हैं। माना जाता है पत्रकार चाय के कुछ ज्यादा शौकीन होते हैं। ये बताइए, चाय जो आप पी रहे हैं किस तरीके की चाय है? मैं तो पहली बार ये सुट्टा सुना और आश्चर्य में पड़ा, ये सुट्टा है क्या? लेकिन आने के बाद तो मुझे चाय का आनंद मिला और बहुत ही बेहतरीन चाय है जिसमें इन्होंने एक बेहतरीन मसाला और टेस्ट मिला, और खासतौर से कुल्हड़ में चाय मिला रहे हैं। ये अनुभव जी का एक अच्छा अनुभव हमें, ये अनुभव जी का एक अच्छा अनुभव। अनिल जी, चाय पी रहे हैं आप, चाय के शौकीन भी हैं। पहली बात तो ये कि रीवा में चाय के साथ सुट्टा मार रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज, रीवा के अनुभव, उनका अनुभव रीवा के लिए बहुत काम आएगा, और रीवा को उन्होंने चुना इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। एक ऐसी दुकान जो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि फ्रेंचाइजी की तरह भी चलाई जा सकती है रीवा शहर, या यूं कहे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पी जाती है वो है चाय। चाय को जिस तरीके से फ्रेंचाइजी बना के बेचा जा रहा है, मैं अनुभव जी से चाहूंगा एक बार रीवा शहर को ये बताएं चाय के कितने फ्लेवर वो लेकर आए हैं। 7 फ्लेवर है, 7 दिन हो गए, 7 फ्लेवर है, चॉकलेट हो गई, इलायची मसाला हो, पान तुलसी, क्या 7 दिन में बोर ना हो चाय से कहीं? वैसे चाय से औसतन कोई बोर नहीं होता है, लेकिन कोई बोर होता है और जिसको चाय के नए फ्लेवर के लुक उठाना है तो हमारे पास 7 तरह के फ्लेवर्स हैं। और अगर आप इन फ्यूचर और फ्लेवर्स चाहेंगे तो हमारे पास अनऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 200 फ्लेवर चाय का, हम और भी 200 में कोई भी छाट के फ्लेवर आपके पसंद का लेकर आए। 7 दिन 7 तरीके की चाय रीवा में शायद पहली बार कुछ इस तरीके का देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है जो नाम आपने दिया है, जिस तरीके से यहाँ पर एक माहौल जो दिख रहा है चाय का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाय के विभिन्न तरीके के यहाँ पर फ्लेवर रखे गए हैं, लोगों को अलग अलग उनके टेस्ट के हिसाब से चाय पिलाई जाएगी। इसके बारे में हम आपको आगे भी अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।